हेलो फ्रेंड्स, आज 22 दिसंबर 2017 है और आज मैं इंग्लिश ग्रामर का जो एक कोर्स है उसकी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश का कोई भी चीज़ सीखनी है, तो आप लोग इस कोर्स में सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारी वीडियोस मैं अभी डालने वाला हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। इसमें हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, इंग्लिश ग्रामर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। देर किस बात की है, चलिए शुरू कर दें फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर बहुत बेसिक है, अगर आपको पता है जो भी लेटर्स है, 26 लेटर्स आपको पता है, वॉवल्स क्या है, कंसोनेंट्स क्या है, तो आप लोग ये स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स रहते हैं, ए बी सी डी, आपको तो पता ही होगा, ए बी सी डी टू सेट तक रहते हैं। और उसमें 5 लेटर्स ऐसे होते हैं उसको बोलते हैं वॉवल्स, और बाकी के लेटर्स है उसको बोलते हैं कंसोनेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए टू से 26 लेटर्स है, ठीक है, और इसमें से 5 लेटर्स जो है उसको बोलते हैं वॉवल्स। और कौन से लेटर्स है, ए ई आई ओ क्यू, तो ए सारे 5 लेटर्स जो है उसको बोलते हैं वॉवल्स। अभी वॉवल्स और कंसोनेंट्स में क्या डिफरेंस है, सोनेंट्स, तो बाकी के जो भी लेटर्स हैं इन 5 लेटर को छोड़ के उनको बोलेंगे हम लोग कंसोनेंट्स। तो मेन डिफरेंस जो है इसमें, इसका एक एग्जांपल अगर देने, ये तो इसको बोलते हैं बी सी डी जो भी है, सिर्फ इनको स्किप करके जाना इस लेटर तक, तो इनको बोलते हैं कंसोनेंट्स। और मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि वॉवल्स जो है वो जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो तब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देने पड़ते आपके माउथ के ऊपर, जैसे ए ई आई ओ यू, तो ये सारे जो लेटर्स है बहुत ही आसानी से हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी के कंसोनेंट्स है उसको प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ा दिक्कत आती है, जैसे बी पूरा ये अपना स्ट्रेच होता है माउथ, उसके बाद सी, ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये मेन डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। और एक डिफरेंस है, ग्रामेटिकल रूल बोल सकते हैं वॉवल्स और कंसोनेंट्स में, जब भी वॉवल्स से कोई वर्ड चालू होता है स्पेशली नाउन, तो हम लोग उसके पहले एंग यूज करते हैं, इसको आर्टिकल्स बोलते हैं, ए एन दी हम लोग सीखने वाले बाद में, लेकिन सिर्फ बताने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि वॉवल्स और कंसोनेंट्स का डिफरेंस क्या है। और अगर कोई भी वर्ड या नाउन इससे चालू होता है बी सी डी कंसोनेंट से, तो उसके आगे हम लोग ए लगाते हैं, जैसे ए बॉय और एन अम्ब्रेला। अभी यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ये जो वर्ड है कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, इसलिए उसके आगे ए लगाया है। और ये जो वर्ड है अम्ब्रेला, इसका मतलब है छाता, ये यू से स्टार्ट होता है, इसलिए उसको उसके जो कि यू वॉवल्स है इसके वजह से यहाँ पे एन लगाए। तो ये सिर्फ याद रखिए ये दोनों रूल्स, हम लोग डिटेल में देखने वाले ए एन दी क्या है और कब यूज़ करना है। तो ये था फर्स्ट लेक्चर में, ये तो बहुत बेसिक था, लेकिन आगे के जो भी लेक्चर्स आएंगे बहुत ही डिटेल में कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक्स जो आपको लगते हैं टेंसेस या प्रोनाउंस नाउंस, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर सेंटेंसेस क्या है, वोकैबुलरी कैसे बनानी है। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।